गाइस आज हम आए हैं मेरे भांजे प्रदीप की दुकान पे, जिन्होंने पतंग का लगाया है और हर साल लगाता ही है और इनके पतंग बहुत आलीशान होते हैं अहमदाबाद। हेलो प्रदीप। हाय, कैसे हैं? बस बढ़िया। तो आज पतंग में क्या क्या क्वालिटी लाए आप? पतंग की क्वालिटी बहुत सारी है। तो प्रदीप, सुना है कि आपने पतंग बहुत बड़े बड़े लेके आए, इस बार बहुत चर्चा चल रही है और काफ़ी आपके ब्लॉग बन चुके हैं। मिलने वाले आते हैं, बनाते हैं, उनका प्यार है। हाँ, और प्रदीप आप ये बताइए कि इस बार क्वालिटी क्या अलग लाए हो पहले से? क्योंकि पहले भी हमने आपका ब्लॉग बना था और बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत शेयर हुआ आपका ब्लॉग, और इस बार आप बताइए क्या क्वालिटी लाए अलग कुछ हटके? क्वालिटी आप देखोगे तो पता चलेगा, क्योंकि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, इतनी सारी क्वालिटी पड़ी है मेरे पास। इस बार पहले से ज़्यादा कुछ लग रहा है? पहले से स्टॉक ज़्यादा है, डबल ही है। जी जी जी, ये देख लिया, आपको दिखा देते हैं पतंग के, खूब सारा पतंग लटक रहे हैं यहाँ पे। प्रदीप भैया, आप जो पतंग लेके आए हो, सामग्री लेके आए हो, जो भी उत्तराखंड की आप सामग्री लेके आए हो, उसके बारे में आपको जानकारी दीजिए हमें, ताकि लोग सुने और देखें और आए और फिर कंफ्यूज ना होए कि क्या लेना है क्या लेना है। तो आप पहले बता दीजिए सबको, तो उस हिसाब से आप ले लेंगे। जी प्रदीप भैया, देखो सामान तो बहुत सारा है मेरे पास, तो स्टार्टिंग में यहाँ से करता हूँ, बड़े बड़े लोगों से, फिर छोटे बच्चों के आस पास जाएंगे। ये देखो फिरकी है बड़ी वाली, जिसको बरेली कहते हैं, और ये नौ तार की है, गुजरात के अंदर अच्छी ज़्यादा चलती है, और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत पसंद है, और मैं इसके सेट लेके आया था जिसमें से पांच ही मेरे पास रही है, सात टूट गई है। खेच का धागा है, और यहाँ आने के बाद ही आपको पता चलेगा भाई ये फिरकी कैसी है। तो मतलब ये गारंटी रहेगी आपको कि ये आपका पतंग कटेगा नहीं? आप पतंग इस फिरकी के बारे में कुछ बताइए कि आपका पतंग कटेगा या मांझा या पकड़ कैसा रहेगा? गारंटी तो किसी की नहीं होती है, ये तो एक शौक है, अपना अपना तरीका है, अपना अपना तरीका है पतंग काटने का। कोई डील से पतंग काटता है, कोई खींच के पतंग काटता है, तो मांझे मांझे का फर्क है, और सब अपने अपने मांझे की तरफ से। दूसरा, और ये फिरकी क्या है, इसी बात बताइए। ये वाली फिरकी है जो डील की है, जो गुजरात के अंदर रनिंग के अंदर चलती है, ये रनिंग फिरकी है, रनिंग नॉर्मल सब सबके लिए। ये इसी का ही छोटा रूप है जी। क्या बोलते हैं फिरकी को? गुजराती फिरकी है। गुजराती फिरकी है, अलग अलग कलर की आती है, अलग अलग है ना, डोर है सारी है, अलग अलग कलर का आई हुई है। बच्चों के लिए कुछ इसको है फिरकी? बच्चों के लिए ये, अगर बच्चे को सिर्फ फिरकी चाहिए तो 30 रुपए की छोटी सी। काफी कलर लाए इसमें भी छोटे बच्चों में भी, बहुत सारे कलर, क्योंकि बच्चों का कलर ज्यादा पसंद है। और ये देखिए आप, देख पा रहे हैं आप, काफी कलर है फिरकी में। ये छोटी वाली एस टी की है देखो, और जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये, इसके अंदर ये देखो छोटा, इसके अंदर धागा भी है, ये देखो छोटे बच्चों, अलग अलग कलर के अंदर है, किसी को वीडियो ब्लॉग बनाना है, किसी को क्या बनाना है, तो लेके जाते हैं यहाँ से। प्रदीप क्या है इसके बारे में जानकारी दो थोड़ी? ये छोटे बच्चों के लिए पूरा बाबा बंच है, जिसके अंदर फिरकी आ जाती है, जो पिपड़ी है मारवाड़ी में, फेस मास्क आ गया, चश्मा आ गया, तीन पतंग आ गया। कागज के अंदर ये छोटा वाला धागा है, पार्ट आपको रेड यहाँ आने के बाद पता चलेगा, ये सबसे बड़ा धागा है। ये सब इसके अलग अलग कलर आए हुए हैं, डिज़ाइन आई हुई है, इसको ये रॉकेट कहते हैं इसको। फिर इसके अंदर डिजाइनिंग अलग अलग डिज़ाइन की, ये भी रॉकेट है, ये धागा है अलग अलग, काफ़ी टाइम से ये बाहर है तो इसके कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है,
बच्चों के लिए, छोटे बच्चे हैं तो किसी को एंजल वाला पतंग पसंद है, पन्नी वाला है, जैसा पन्नी के उसके साइज़ के अकॉर्डिंग उनकी जो प्राइस है आपको आने के बाद पता चलेगा। अब छोटे बच्चों को जैसे कि झालर पसंद है तो झालर के अंदर ऐसी ऐसी डिजाइन आई है ना, तो बच्चे इसको ले बगैर जा ही नहीं रहे। हर एक बच्चे की एक तो रिक्वायर्ड है ही है कि झालर वाला पतंग चाहिए हमें। तो अब तक आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इसके कम से कम 500 बंच निकाल लिए और 2024 जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये इसका है, ये वाला नई वाला राक्षस की डिज़ाइन है, भीम है, इसके अंदर भी 7-8 प्रकार की डिज़ाइन है, तो लोगों की अच्छी खासी इसकी। अब बड़ी साइज़ के अंदर कम मार्जिन वाला पतंग है, कम पैसे के अंदर बड़ी साइज़ का पतंग आपको मिल रहा है। आप, ये तो बहुत बड़ा पतंग रहेगा, इसकी साइज़ भी देखो भैया कितनी बड़ी है। आप यहाँ आओगे तो आपको इस साइज़ के बारे में पता चलेगा कि मतलब भैया कम प्राइस के अंदर भी इतनी बड़ी पतंग दे रहे हैं जी। पतंग तो प्रदीप भाई, उन पतंग के बारे में कुछ और जानकारी दीजिए। ये सबसे बड़ी वाली साइज़ है, इससे बड़ी भी साइज आती है, लेकिन अपने अपना शौक है, अभी बाहर ज़्यादा लगाते हैं तो पतंग का डैमेज होने का ज़्यादा संभावना होती है। तो ये देखो अपने देश का तिरंगा, अगर 26 जनवरी आएगा तो लोग उड़ाएंगे तो मज़ा ही मज़ा है ना, आसमान में तिरंगा ले रहा है। तो गाइस देख चुके हैं आप कितना सारा पतंग लेके आए हैं प्रदीप। मेरे बच्चों के लिए पतंग बताइए ना, छोटे बच्चों के लिए। हाँ, छोटे बच्चों के लिए चाहिए। ये वाला पतंग मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ऐसे कि भैया 5 पे कर दीजिए बच्चों के लिए, अलग अलग कर दो। हाँ अलग अलग कर दो, 5। तो देख पा रहे हैं आप जैसे कि काफ़ी लोग पतंग ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक एक बंदे 500-700 पतंग लेके जा रहे हैं, बड़े बड़े पतंग। ये हो गए। तो गाइस आप देख पा रहे हैं जो प्रदीप ने स्टॉक लाया है, ये देखिए पूरा कमरा भर रखा है इन्होंने पतंगों से। जो भी देख रहा है आप जल्दी जल्दी आए और ज़्यादा ज़्यादा पतंग ले जाए, क्योंकि ये फुल स्टॉक उन्होंने भर रखा है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो व्लॉग देख के आए। ये देखो बहुत सारी वैरायटी है जो अपने गुजरात के अंदर, गुजरात की पूरी वैरायटी आज पाली के अंदर आ गई है। और जितने भी अपने पतंग के जो शौकीन हैं, जो पतंग उड़ाने के लिए भाई बेकरार रहते हैं, तो आपको इतनी सारी वैरायटी डिज़ाइन इतनी सारी मिल जाएगी ना, तो बस आपको तो यहाँ पर आना है, पतंग लेना है और पतंग का एंजॉयमेंट उठाना है और साथ में। तो प्रदीप जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने इस बार स्टॉक काफ़ी भरा है। पिछली बार तो मैं इससे कम लेके आता था, बाकी काफ़ी जो लोग थे वो निराश भी हुए थे क्योंकि उनको मतलब वो प्रॉपर चीज़ मिली नहीं थी। इस बार मैंने इतने सारे अलग अलग प्रकार की डिज़ाइनें ला के आया हूँ तो लोगों को वो सारे अच्छे से वो मिल जाए। तो प्रदीप आपने बहुत स्टॉक भर रखा है पतंग लाने का। माहौल तो बनाएंगे इतने सारों से पाली उतरे। ये देखिए कितना बड़ा पतंग है, देखिए ये देखिए बहुत सारे, और चाइनीज पतंग भी बहुत सारे, और कुछ चाइनीज पतंग भी लाए हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पतंग स्पेशल पतंग है, ये फॉरेनर पतंग है, यहाँ नहीं उड़ते हैं पतंग, ये फॉरेनर में उड़ते हैं और ये यहाँ पाली में आए हैं पहली बार, बड़ी सिटी में देखने को मिलते हैं या आपको विदेश में देखने को मिलेंगे स्पेशल पतंग। तो प्रदीप भाई इस पतंग का कुछ बारे में बताइए। पतंग बढ़िया है, फटेगा भी नहीं, काफ़ी साल तक संभाल के भी रख सकते हैं उसको। और तो गाइस देख पा रहे हैं आप ये स्पेशल पतंग जो कि प्रदीप की दुकान पे मिलेगा आपको, क्योंकि स्पेशल ये मंगाया गया है। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्पेशल पतंग ये देखिए, ये पतंग नहीं है, ये तो एक तरह से जादू है, ये मैजिक पतंग है। ये आपको बड़ी सीटों में ही दिखाई देगा, लेकिन ये पाली में लेके आ गए प्रदीप पहली बार। प्रदीप इसके बारे में आपको जानकारी दें, किस तरह पतंग कैसे उड़ाया जाता है। जानकारी तो क्या दूं, आप इस चीज को देख के भी आपको मतलब मजा आ गया होगा, क्योंकि ये क्या है, है ना, जैसे कोई बाज अपने सामने एकदम से देख रहा है और आसमान में अपने हाथ से उड़ाएंगे तो फिर अब हर तरह की आपको फिरकी मिल जाएगी इसके अंदर। मान जाए इसका इतना बेस्ट है ना कि आप लेके जाओगे तो दूसरी बार इसको वापस से ढूंढते हुए यहाँ आओगे, जो भी यहाँ लेके गया है वो खुश होके गए यहाँ से। ये देखिए खूब सारा स्टॉक रख रखा है इन्होंने, और नीचे भी है, और काफी स्टॉक नीचे भी पड़ा है इसका। इतना फैंसी फिरकी है जो अपने परिवार के मिलने वाले परिवार के किसी भी लोगों को आप है ना ब्रोच के माध्यम से दे सकते हो, अपने ब्रोच में या माता मतलब मंदिर में इष्ट देवताओं को उत्तरायण के हिसाब से चढ़ाने के लिए, मकर संक्रांति के हिसाब से। ये फेस मास्क है मिनी रोबेट, बच्चों को मतलब पहन के शौक रूप से मतलब मजा कर एंजॉय करने के लिए। ये अपना हनुमान जी जो मुखोटा, आप विभिन्न प्रकार के आप रूप बना सकते हो। बैटमैन का है ये वाला मुखोटा है, स्पाइडरमैन है, गोरिल्ला है,
बाकी बहुत सारे थे जो मेरे पास खत्म हो गए हैं वाले पतंग जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। इतने सारे बंच लेके आया था, अभी एक बंच ही है मेरे पास रहा है जो कि अब ये फैंसी पतंग है। प्रदीप पतंग है ना, आप उड़ाओगे तो इसका भी आनंद बहुत अच्छे से ले पाओगे, इतना कह सकता हूँ। हेलो गाइस, मेरा वीडियो आपको पसंद आया है और अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे दुकान पर आपको विजिट करना जरूरी है।